भाई हमारा भी यार दोस्त है। क्या एंट्री थी? इसके अंदर से पर्स हेलो एवरीवन हेलो आदिल भाई अरे क्यों हिल रहा है भाई आदिल भाई क्या हाल चाल राखी जी राय बढ़िया राखी जी आप पीछे आओ थोड़ा हाँ पीछे पीछे कल मैं इधर ही शूटिंग कर रही हूँ मेरा गाना क्या बात मैं थोड़ा पीछे 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 यार मोबाइल कैमरा लो यार मैं बोला भाई राखी जी ने पहले नहीं नहीं राखी जी ने पहले ना ऐसे शूज पहने शूट के कल शूट के शूज है ये बहुत बढ़िया एकदम चमक रहे आपकी हाँ तो इससे पे डांस कर आदिल भाई मोटे हो गए यहाँ पे मोटा हो गया अब तुम मोटे हो या छोटे हो या सूखे हो या गीले हो मेरे ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना और क्या चलिए श्रद्धा रुको 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 यार कितने देर से आप लोग अच्छा रुको थोड़ा सा ले लेते चलो अकेडमी खोल दिया दुबई में बहुत बढ़िया रुको देखना बोल रहा है रुकने के लिए देख रहा है 21 को ओपनिंग है ना ओपन 20 हां मतलब अभी जगह हो गया सब ले ली बहुत जद्दोजहद लगी दुबई में इतना आसानी से आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते क्या बात है पर हमको मेरे तकदीर अच्छी थी कि मुझे अच्छे लोग मिल गए दुबई में बिल्कुल और मेरे पार्टनर्स दो दो पार्टनर्स मेरे पार्टनर का नाम है आफ्ताब भाई एक है देविका तो वो मेरे वहाँ पे अकेडमी में उन्होंने खोल दिया मेरा हैंडल तो सब आगे ही कर रहे हैं चलो क्या बात है एक मिनट रुको रुको बस गए कोई आगे मत चलो पीछे वाले तो नहीं इसका आगे काट डालो और दिल छोटा अरे छोटू को और छोटा कर दोगे छोटू एक बात गलत है तेरे पे आक्रमण किया है अच्छा उसको मोटू बुला रहा है राखी जी दिवाली में तो आपको बहुत मिस किया सबसे पहले हैप्पी दिवाली आपको हैप्पी दिवाली हाँ मैंने सोचा सब लोग हॉलीविन बन के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे आजकल को नया बेचारे जब से कोरोना खत्म हुआ है सब लोग इंतजार कर रहे किसके घर में पार्टी हो और नए नए घाघरा चोली शोरूम में से ले लेके पहन के जाए वैसे उनको इतना शौक है किसी को किसी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है बस मीडिया में दिख जाए लेकिन कबूल करने को तैयार नहीं है ये सेलिब्रिटीज देखो राखी जी दुबई में आप हम तो सीधा बोलते हैं हाँ भाई हम तो तैयार हो के आए हे हेलो मीडिया चलो हमको दिखाओ पब्लिक तक पहुंचाओ यू नो राखी जी दुबई में आप डांस एकेडमी खोल रहे हो उसमें एक्टिंग भी सिखाया जाएगा तो कराटे भी सिखाए जाएंगे क्या कुछ कहना चाहोगे उस बारे में कौन सी जगह है हमारी जगह दुबई में नाम क्या है जगह का शेख जायद नहीं शेख जायद नहीं है शेख जायदी नहीं जल्दी से नाम बताओ शेख जायदी वो लोग उधर पहुंच जाएंगे आप गलत बोल रहे हैं शेख जायदी शेख जायद रोड पे क्या एक अच्छी जगह है वहाँ पे जितने इंडियंस हैं वहाँ पे क्या नाम है थोड़ा सा बताओ वो ऑफिस है अलकरामा में अलकरामा में शेख जायद रोड पे सारे इंडियन भरे हुए आप सोच सकते हो कि मुझे दिवाली मिस ही नहीं की मैंने क्योंकि दुबई में इतने इंडियंस हैं सब ने बाहर दुबई में सब इंडियंस लोगों ने अपना घर सजाया था इतने पटाखे छोड़ रहे थे क्या आप बिलीव कर सकते हो दुबई में वाव बड़े बड़े पटाखे सुरसुरी बॉम्ब लक्ष्मी बॉम्ब रावण बॉम्ब सारे बॉम्ब छोड़ रहे थे दुबई में सब लोग रियली बहुत मजा आया वो सब छोड़ो मेरे बाल कटवा के आई दुबई में अच्छा लुक लग रहा है आपका ये इनका चॉइस है कहते बाल कटवा दे तू और छोटी दिखेगी तो एक काम कर तू टकलाई करवा देती तो और छोटी दिखूंगी मैं चौंकी आदिल जी आप क्या कुछ कहना चाहोगे अपने डांस एकेडमी के बारे में देखो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है एक्शन है डिप्लोमा नॉट जस्ट अ डांस या हमारे पास 6 मंथ्स का डिप्लोमा होगा यही कहेंगे आओ हमारे पास सीखो कुछ बनो स्टार्स बनाएंगे हम आप लोगों को गल्फ कंट्री में जितने भी इंडियंस पाकिस्तानी सब लोग हैं देखिए पाकिस्तान से यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम है वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक सलून गए थे जहाँ राखी का बाल काट रहे ये बाल काटा मेरा वो बोल रहे थे ओनर कौन है ओनर बोल रहा है एक पैजामा में है एक इंडियन ड्रेस में है तो बोल रहे हैं हम दो पार्टनर हैं एक इंडियन एक पाकिस्तानी सोचो वहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं कितनी अच्छी बात है पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब दुबई में मिल के रहते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब लोग आओ डांस सीखो जुम्बा सीखो योगा सीखो अकेडमी में एक्टिंग सीखो मिलके रहते हैं उधर अब राखी पहुंच गई है सोचो
एक्चुअली मुझे बोलना अलाउड नहीं है बट अभी तो मैं सब प्रैक्टिस करने आई हूँ और कल यहाँ मेरा शूट है आना जरूर आप लोग क्योंकि बिग बॉस का घर वाकई जब राखी नहीं हो तो एंटरटेनमेंट हो ही नहीं पाता है चाहे कोई भी आ जाए अरे करने दो इन लोगों को बगैर एंटरटेनमेंट के रहने दो पब्लिक को इनको मालूम पड़े कि राखी रहती है तो क्या कभी चुड़ैल बनती कभी भूत बनती कितना एंटरटेन करती है लास्ट ईयर हैलोवीन में शेरलिन बनी थी क्या स्पाइडरमैन आल्सो कभी स्पाइडरमैन बनती क्या अलग अलग इनको मालूम होना चाहिए पब्लिक को अब बाद में बोलते क्या हर साल क्या राखी को बुलाते हो तो अब रहो बगैर एंटरटेनमेंट के में अंदर कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है कोई कुछ नहीं कर रहा सब अपना हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठे हुए अगर आपको हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठना था तो आपको बिग बॉस में जाना ही नहीं था आप बाहर ही रहते हर पार्टियों में अलग अलग लुक्स करके आके साइज जीरो और हड्डियों का ढांचा बन के आते और आप हाई सोसाइटी बन के बैठते आप एक रियलिटी शो में है रियलिटी शो का मतलब है पूरी दुनिया को देश की जनता को एंटरटेन करना जो कि मैंने किया है आज आधी रात को भी मेरे को बिग बॉस में डाल देना मैं ऐसा ऐसा करूंगी ना और शालिन का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा सबका शालिन की दुश्मन हो गया तू ए दोस्त है मेरा टीना ये सब दोस्त है लेकिन अंदर जाके मुरझा गए ये लोग स्टार्टिंग में तो चले जाते हैं सलमान खान को शाल में हम ये करेंगे हम वो करेंगे जब तक बिग बॉस में कोई अंदर नहीं जाता ना बाहर एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है बाहर अंदर जाके मुर्दा बन ही जाता है तो इन मुर्दों को जिंदा करने के लिए हमको भेजते हैं मैं गधे का इंजेक्शन हूँ जीता जागता हाँ मैं ऐसा इंजेक्शन हूँ जाके लोगों को मारती हूँ मैं वो कोरोना और गधे का इंजेक्शन हूँ डोज हूँ मैं बहुत बड़ा लगाने वाले हो या तुम ही इंजेक्शन पापा तुमको काटू पापा तुम्हें काटू तुम मुझे बहुत काट चुकी वेल साजिद खान के ऊपर भी शर्लिन चोपड़ा बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही है पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा मेरा कोई केस नहीं ले रहा साजिद खान बहुत कसूरवार है लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी कोर्ट ने उसको सजाए फांसी या काला पानी की साजिद खान को सजा ही नहीं दी तुम मेकअप 4 किलो का लगा के साड़ी पहन के मीडिया के सामने जाके दूसरों पे दोष लगाते हो शर्म नहीं आती तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाते तुम किसी पे दोष लगाने से पहले 10 बार सोचो ये मीडिया है दूध का दूध पानी की पानी कर देगी अब पुलिस को भी पता चला कि केस में दम ही नहीं है ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए क्या है इसको प्रॉब्लम आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इसकी अभी थोड़ा 6 महीने रुको अभी किसी और रेप का केस लेकर आएगी अरे बहन तुम तो अभी साड़ी पहनना अभी सीखी हो ना तुम्हारा देखो तो सही तुमने क्या क्या पहनकर प्लेट में खुद लेकर गई हो कि खाओ मुझे ये गलत बात है ना पहले खुद तो सुधरो फिर दूसरों को सुधारने बैठो चलो देखो इन लड़कियों की वजह से ना किसी के साथ सचमुच भी हो जाएगा ना तो दुनिया यकीन नहीं करेगी ये बहुत गलत बात है मुझे बहुत उसको रोना इस बात इसलिए नहीं आया उसको ऐसा लगा जो लड़की आप कह रहे हो जिसका नाम ले रहे हैं मुझे तो नाम भी नहीं लेना है ये हर 6 महीने में जागती है किसी पर रेप का केस लगाती है ये गलत है साजिद खान एक अच्छे एक्टर है एक अच्छी बहन फरा खान के भाई है इस देश के नागरिक है सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा बहुत सारे लोग हैं वो तो खुले घूम रहे हैं तुम लोग साजिद खान के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया अभी बिग बॉस में ऐसे होता है बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं ना लेते हैं अब तक साजिद खान बिग बॉस में नहीं गया था तो सब चुपचाप बैठे थे ये गलत बात है ना भाई अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा हो या ना हो राखी सावंत हमेशा रहती है खड़ी और खड़ी खड़ी ऐसी कोई भी लड़कियां आए ये तो टुच्छियां हैं सब टुच्छियां इन्होंने क्या किया इनका बैकग्राउंड देखो यूट्यूब में जाके कैसे गंदे गंदे कपड़े बगैर कपड़ों के इन लोगों ने क्या क्या किया है गलत बात है मुझे तो किसी के लिए बोलना ही नहीं है खुद डर जा रहा हूं राखी का रूप देख हां रूप देखो मेरा हां क्योंकि मुझे अन्याय है ना जी और जीने दो देखो जी और जीने दो
कोई इंसान स्टार बन रहा है, आपस बॉलीवुड में काम कर रहा है, काम करने दो उसे, यू नो। आपका करियर नहीं बन रहा तो आप रो रही हो, आपको पुलिस स्टेशन में केस नहीं है बन रहा तो आप रो रही हो मीडिया में आके चिक चिक के, और मेरे सलमान भाई का नाम ले रही है, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर। तेरे सड़े हुए मुंह से सलमान का नाम भी मत ले, समझे ना, मेरे को मिले ना ऐसा फोड़ के तो छोड़ो, ऐसा उल्टा लटका दूंगी ये नींबू के पेड़ पे। हाँ, हो गया क्या देखे मीडिया देखे, अभी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, वो तो बहुत धमाकेदार है, वो तो एक बैटल है, वो तो एक गेम है, उसमें तो देखने का मजा आता है ना। लेकिन दुबई में हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले मिलके रहते हैं, कभी हिंदुस्तानी को तकलीफ हुई ना उधर पहले इंडिया से कोई नहीं भागता है, दुबई में पाकिस्तानी पहले भाग के जाता है और उसको पानी पिलाता है और उसको तकलीफ को यू नो समझता है। थैंक यू। तू क्यों क्या दहेज में है, तू क्यों अकेले ले रहे हैं? नो लो 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 ऐसे ऐसे वन मोर परोल। अरे एक बार वैसा उड़ी मारो ना, उड़ जा टाइगर श्रॉफ जैसा। Once more, क्या करता है? राखी जी वो अब्दुल आ गया घर से बाहर। नहीं हाँ कल ही की न्यूज है। नहीं अब्दुल नहीं आया, नहीं नहीं अंदर ही है, अंदर ही है। अब आपस क्या हो, बीमार हो गया? मारो इसको, मारो गला ना फाड़ रहा था, झूठ झूठ अपा झूठा फाड़ रहा था, क्यों कर रहा है ऐसा? ऐसे है, अरे ये सत्या और ये जैस्मिन, ये मेरा सबसे पुराना, इधर आओ ना जान, जान ये तो मेरी जान है, ये तो मेरा कोरियोग्राफर है, मेरे कोरियोग्राफर है, पूरा अभी गाना चल रहा है, पीछे राखी का गाना चल रहा है। कल सालों आना जरूर, कल मैं एकदम फाड़ू कॉस्ट्यूम करने वाली हूँ इधर। सर्दी हो गया है मुझे, हाँ सर्दी है, पता नहीं क्यों चांद पे गई थी ना दिवाली मनाने, चांद पे गई, मैं चांद पे गई थी, तुझे मालूम नहीं? तारा टॉम क्रूज के साथ उधर हॉलीवुड की फिल्म चल रही है ना मेरी, ओके बहुत अच्छा रोल कर रही हूँ टॉम क्रूज के साथ, मालूम है कि नहीं? मैं नीचे था, मुझे पता नहीं। ऐसे लोगों को चांद पे क्या मंगल ग्रह भी ना बुलाए, मैं तो हर ग्रह पे हर प्लैनेट पे घूमती रहती हूँ। चलो जाओ बाय। बाय।